Hello people, welcome to our channel all about cooking by Bhavna. So today our recipe is Shahi Tukra but with a twist. So heat some desi ghee in a kadhai. Check if it's hot, it's still time. Till then, take three breads. I have taken three breads. Aapko cut corners cut karne hai iske. You can use any bread, wheat bread or multigrain bread, whatever you feel like. कुछ भी आपको जो पसंद है. हमने corners काट लिए. Now we're gonna cut it into the shape that we want. We have cut our bread. Now we're gonna check the kadhai. The oil is hot enough. अब हम इसमें अपने कटे हुए जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो डालेंगे. Let's not. Now, as you can see, our breads have turned golden. Now we are going to take it out in a plate. अब हम अपने शाही टुकड़े के लिए रबड़ी बनाएंगे. हमने लिया है हाफ लीटर दूध. इसको हम गरम करेंगे. इसमें हम 10 मिनट बाद 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक नहीं हो जाती रबड़ी जैसी तब तक हम इसको पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे. ये हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट तैयार है. हमने इसे पकाया और ये अब देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ट्विस्ट था वो ऐड करेंगे. इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स कलर डालेंगे. ये हमारा पिंक कलर है. अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज एसेंस डालेंगे. ये रोज एसेंस है, आपको इजीली मार्केट में मिल सकता है. अब हमने अपनी रबड़ी निकाल ली और हमने इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए. अब हम इसको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करेंगे. आप एक चम्मच से I have this shot glasses which is very beautiful. मैं इसमें थोड़ी सी रबड़ी डालूंगी. ये स्टिक हम डाल देंगे इसमें और हम इसमें पोर कर देंगे. Now let's taste it. It's really yum, friends, and you can try it without spoon. You don't need a spoon, just take it, tilt your glass and just take it and eat.